हाँ भाई, तो क्या हाल है? तो चलो देखते हैं आज यूक्लिड डिवीजन लेमा क्या होती है, यानी यूक्लिड डिवीजन प्रमेयिका होती क्या है। बिल्कुल सिंपल समझो, प्रमेयिका का मतलब क्या है? डिवीजन एक प्रकार की एल्गोरिथम है। एल्गोरिथम आप जानते ही क्या होता है, जैसे कि मान लीजिए किसी चीज को बनाने की विधि, जैसे ये मान लो मैंने मार्कर लिया है, ठीक है, समझो ये मार्कर को मैंने बनाया, किसी भी मशीन से बनाया, कोई दूसरा है उसको विधि मालूम नहीं है, लेकिन अपने दिमाग से उसने दूसरी चीज से सेम यही मार्कर बना दिया, तो क्या हो गई एक प्रकार की एल्गोरिथम इस मार्कर को बनाने के लिए। इसी तरीके डिवीजन को करने के लिए ये एक प्रकार की यूक्लिड जी की प्रमेयिका है, यानी लेमा है, ठीक है, सिंपल समझ गए। अब चलो देखते हैं यहां पर क्या दिया गया है। If a and b are two positive integers, then they must satisfy the condition a equal to bq plus r. तो यहाँ पर लिखा क्या गया है, सिंपल समझो। अब अभी तो ये a b c d नजर आ रही होगी, तो चलो देखते हैं यहाँ पर कि a का मतलब क्या होता है। तो a का मतलब यहाँ पर दे दिया गया है कि भाई ये आपका डिविडेंड होगा, क्या होगा, डिविडेंड। अब आप बोलोगे डी क्यों नहीं नाम रख दिया, बड़ी याद हो जाता ही, बताते हैं क्यों, ठीक है। अब यहाँ पर बी का मतलब क्या हो गया आपका, डिवीजर, डिवाइजर, हिंदी में भी बता देते हैं, इसका मतलब होता है आपका भाज्य, ठीक है, इसका मतलब आपका हो जाता है भाजक। और यहां पर आपका क्यू का मतलब हो जाता है क्वेश्चन, क्यू यू ओ टी आई ई एन टी, क्वेश्चन का मतलब आपका भागफल, ठीक है, ये आपका हो जाता है। और यहां पर आर का मतलब आपका हो जाता है रिमाइंडर, ठीक है, यानी आपका ये आपका हो जाता है शेषफल, ठीक है। अब यहां पर समझो भाई कि इसका नाम क्यों नहीं रखा डी, क्योंकि यहां पर दोनों डिवीजर सेम है, डिविडेंड सेम है, तो कंफ्यूजन होगी, इसलिए ए बी नाम रख दिया गया है, ठीक है, तो बस कंफ्यूज नहीं होना। अब यहां पर बोला क्या गया है समझो, एक एग्जांपल, अगर मान लो हम कोई डिवाइड करते हैं नंबर को, मान लीजिए 26 है, उसको हम यहां पर 3 से डिवाइड करते हैं, तो 3 8 जा 24 आएगा और यहां पर 2 बच जाएगा, है ना, 2 आपका रिमाइंडर आ गया। ये आपका क्या है बताओ जल्दी, ये 26 आपका क्या है, ए है, ए का मतलब डिविडेंड, ए आर यहां पर लिखते हैं डिविडेंड, ठीक है। बी, बी का मतलब डिवाइजर, ये क्या है, सॉरी बी, और ये क्या है आर, और ये क्या है क्यू, समझ गए। अब यहां पर समझो बोला क्या गया है, आर जो होगा यानी रिमाइंडर जो होगा वो ऑलवेज लेस देन बी, यानी बी का मतलब है आपका डिवीजर, लेस देन डिवीजर, मतलब जो R होगा वो B से हमेशा छोटा होगा। जैसे देखो यहां पर B ये है 3, R 2 है, देखो छोटा है कि नहीं, छोटा है। और दूसरी कंडीशन क्या दी गई है, R जो है वो तो या तो 0 आ सकता है, 0 का मतलब मान लीजिए अगर मैंने 24 ले लिया और 8 से डिवाइड कर दिया तो यहां पर 3 आएगा और यहां पर 24 आ जाएगा और ये 0 आ जाएगा, तो ये मतलब 0 के इक्वल हो सकता है। और दूसरा कंडीशन क्या है, R जो होगा या तो 0 से बड़ा होगा, 0 से छोटा तो हो नहीं सकता भाई, माइनस में तो जाता नहीं है, तो यही यहां पर कंडीशन दे दी गई है, तो उसको तो तुम समझ गए होंगे। अब यहां पर देखो क्या है, एक ये एल्गोरिथम क्या कहती है, अगर हम यहां पर इसको मिटा दें, मिटा दिए, अब अगर हमको ए को ढूंढना है तो हम कैसे ढूंढेंगे, बस वही आपका समीकरण लगा देंगे कि भाई a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, तो a इक्वल टू बी इंटू क्यू प्लस आर, इनमें से कोई एक गायब हो जाए तो हम आराम से, 3 पता है एक गायब है, तो आराम से पता कर सकते हैं भाई ये एक कंडीशन है। अब यहां पर ए क्या है हमको मालूम नहीं है, ये मालूम है, ये मालूम है, ये अब यहां पर हमको मालूम नहीं क्या है, तो आराम से मालूम कर लेंगे कि ए इक्वल टू आपका हो जाएगा बी, बी इक्वल टू आपका है 3 इंटू क्यू, क्यू आपका कितना दिया गया है 8 प्लस आर, आर कितना दिया गया है 2, यानी आपका ए इक्वल टू आपका हो जाएगा 24 प्लस 2, तो ए इक्वल टू आपका हो जाएगा 26, तो यहां पर 26 ही तो था, यहाँ पर 24 था तभी तो इतना आया था, लेकिन इसको हम पता कर सकते हैं, देख लिए कितना आराम से ये लेमा काम करती है। अब चलो एग्जांपल समझते हैं HCF कैसे निकाला जाता है, एक प्रकार की HCF निकालने की विधि ही है, तो चलो अब HCF निकाल लेते हैं आपके बुक के एग्जांपल से, ठीक है, आपके बुक में एक एग्जांपल दिया गया है बहुत ही अच्छा है, तो उसी में से निकालते हैं। तो उसमें क्या दिया गया है आपका, यहाँ पर 455 और 42 का, 455 और 42 का HCF क्या होगा, है ना, HCF क्या होगा मान लो, ठीक है, क्या होगा आपसे पूछ लिया मान लो,
बिल्कुल आराम से निकाल लोगे। कैसे भाई? वही आप एल्गोरिथम लगाओगे, जो छोटा है उसको यहाँ पर रखो 42, और जो बड़ा है 455 यहाँ पर रख दो। ये रख दिए हम आराम से। अब यहाँ पर देखो क्या होगा, 42 से 455 को डिवाइड करें कितना आएगा भाई, कितने बार जाएगा? 10 बार जाएगा, है ना। 4 × 40 10 दूनी 20 की 0 हासिल आए, 2 × 40 2 × 42 420 आया, यही आएगा। अब इसको हम मतलब माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 5 में 0 गए 5, और यहाँ पर 5 में 2 गए 3, 4 में 4 गए 0, यानी काट दो चाहे 0 कर दो, तो इतना आ गया। तो हम इसको लिखेंगे कैसे, देखो यही कंडीशन लगाएंगे, a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। अब यहाँ पर लिखेंगे कैसे, फर्स्ट कंडीशन हमारी क्या हो गई कि भाई फर्स्ट कंडीशन क्या है बताओ जल्दी, फर्स्ट कंडीशन a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, ए क्या है हमारा, ये यानी 455, तो 455 यहाँ पर लिख देंगे, ठीक है। 455 इक्वल टू आपका बी क्यू प्लस आर, बी कितना दिया गया है आप बताओ, ये यानी 42, यानी 42 दिया गया है, इंटू 10 यानी क्यू, है ना, और प्लस आर यानी प्लस 35, ये दे दिया गया है। बस ये फर्स्ट कंडीशन हो गई, इसी तरीके से तो लिखना है। अब यहाँ पर दूसरी कंडीशन क्या होगी, HCF तो निकालना है ना हमको, काटते जाना है काटते जाना है जब तक जीरो ना आ जाए। अब फिर से हम वही लेंगे इसमें कि भाई जो यहाँ पर बड़ा है उसको हम यहाँ पर ये बना देंगे, जैसे इसको मतलब ये ए कर देंगे, जैसे कि यहाँ पर बड़ा क्या है 42 बड़ा है 35 छोटा है, तो 42 को हम यहाँ पर फिर से वही बना देंगे। तो इसको मिटा दें, ये विधि तो आप समझ गए। अब दूसरा लेते हैं यहाँ पर कि भाई जो 42 है वो बड़ा है, तो 42 यहाँ पर भाजक बन जाएगा, और सॉरी भाज्य बन जाएगा, और भाजक हमारा 35 हो जाएगा, यही होगा। तो अब फिर से वो करते हैं, तो 35 वन बार जाएगा, तो 35 से कम 35, है ना। अब 35 × 5 = 40 और 42 35 में मतलब ये 7 × 5 = 12 7 आ जाएगा, ये इतना आ गया। तो अब फिर से दूसरी कंडीशन क्या हो गई हमारी, जितने जब तक जीरो ना आ जाए जब तक आपको डिवाइड करना है, ठीक है, तो 7। अब यहाँ पर इसको हम लिखेंगे 42 इक्वल टू आपका 35 इंटू 1 और प्लस 7, यही होगा। अब देखो यहाँ पर थोड़ा तिरछा लिख जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो अभी जीरो तो आया नहीं, अब फिर से हम लेंगे भाई 35 को 7 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि नहीं यही तो करेंगे, अभी हम फिर 7 से डिवाइड करते हैं। चलो ये इसको मिटाते हैं, 35 7, है ना, ये आ गया। अब यहाँ पर 7 × 35 ये आपका जीरो आ गया, यानी आपका 35 इक्वल टू आपका हो जाएगा 7 × 5 प्लस 0। अब यहाँ पर हमारा HCF आ जाएगा। HCF क्या होता है, 7 ये क्या है आपका, ये आपका है B, और ये है आपका A, और ये B, B का मतलब आपने जाना डिवाइजर। तो जो डिवाइजर होगा वही आपका HCF होगा। लास्ट स्टेप में, लास्ट स्टेप हमारा थर्ड था, ठीक है, लास्ट स्टेप लास्ट था ये, तो लास्ट स्टेप मतलब जब जीरो आ जाए, तो लास्ट स्टेप में जब जीरो आ जाए जो उसका डिवाइजर होगा, डिवाइजर यहाँ पर क्या था, 7 था, वही हमारा HCF होगा। यानी आपका HCF जो निकला, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, वो हमारा 7 है, ठीक है, 7 है। तो ये इस तरीके से HCF फाइंड करने की एक विधि थी जो मैंने समझा दी, आई होप तुमको ये समझ में आराम से आ गई होगी। बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूजन होती है इसलिए मैंने थोड़ी देर तक बात की, लेकिन बिल्कुल आसान था। तो जो भी ना आए मुझसे आप पूछ सकते हो कमेंट करके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इसको आप लिख सकते हो, ठीक है, बहुत ही अच्छा है। और 10th की मैथ हम जल्दी पूरी सॉल्व करवाएंगे इसी तरीके से, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।